سيد آدم خير الأنام ودود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

कुरान करीम में मुसलमानों की सरबुलंदियों बरतरी की एक तदबीर बतलाई है बड़े पुरुक लहजा और भरपूर अहतमाद के साथ बबंगे दोहल और डंके की चोट ऐलान किया है कि अ मुसलमानों तुम ही कामयाब हो तुम ही इस दुनिया के मालिक हो दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे लिए है इज्जत व शराफत की तुम्हें ठिकेदार हो कायत तुम्हारे आगे झुक सकती है चरिंदो परिंद तुम्हारी इतायत कर सकते हैं लेकिन एक शर्त लगाई है वरमाया तुम ही सर बुलंद हो बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल हो ईमान की हलावत और चाशनी तुम्हारे अंदर हो यकीन कामिल की दौलत से तुम माला माल हो मोमिन की तमाम सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हो फर्जंदाने इस्लाम अल्लाह ने इस तख्तसर सी जुमले और इस छोटी सी आयत में हकीकत का इंकशाफ किया है आँखें खोल दी हैं और साफ तरीक़ा से फरमा दिया तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है कोई खौफ महसूस ना करो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती शेर तुमसे डर सकते हैं चीते तुमसे कप कपा सकते हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हारी गुलाम बन सकती है लेकिन वही शर्त लगा दी है अगर ईमान और यकीन की बातें बहारी ने तुम्हारे कुलूम में गुलशन पैदा कर दिया हो ईमानी सिफात और दीनी खसूसियात के तुम हामिल हो लेकिन दोस्तों आज का इंसान यह तो चाहता है दुनिया उसके आगे झुक जाए जिस चीज को वो छुए तो वो सोना बन जाए दस के मुकाबले में अकेला काफी रहे उसकी इज्जत और शराफत को दुनिया सलाम करे हर तमन्ना उसकी पूरी हर ख्वाहिश बढ़कर उस उसकबाल करे लेकिन वो भूल जाता है उसको यह शराफत और आजमत उसी वक्त हासिल हो सकती है जबकि खुदा की गुलामी करे रंगो के बुतों को पाश पाश करके एक ही हकीकी फरमा रवा का प्रस्तार हो चढ़ते सूरज की पूजा छोड़ कर हकीकी की बारगाह में सजदारेज हो उसको यह मकाम तभी हासिल हो सकता है जबकि उसकी चीज खुदा की हो जाए हाजरी इक़राम, ये हकीकत रोजे रोशन की तरह आया है आज हमें अपने ईमान का भी पासो लिहाज नहीं रहा है सिर्फ नाम के मुसलमान बाकी रह गए हैं मुसलमानों की सिफात तक बाकी ना रही वो जोशो हिम्मत जज्बा इतात और अखलासियत नहीं है कुफर हमारे ऊपर हंस रहा है बादतिल हम पर खंदाजन है हम हैं जो खुदा को फरामोश किए बैठे हैं इकबाल मरहूम ने कौम को इस अल्फाज में एहसास दिलाया है कहा है खंदन गफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं खंदन गफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं अपनी तोहद का कुछ पास तुझे है कि नहीं मोहतरम हाजरीन के एक ही ऐसा वाक़ नहीं बल्कि तारीख़ के सफहत पर आपको हज़ारों सैकड़ों वाक़ मिल जाएंगे जहाँ मुसलमानों ने हर मैदान में फतह पाई है उन्होंने पहाड़ों से टक्कर ली तो पहाड़ों की संगीनी की दुल छूट गए बर्कोबाद राह में हायल हुए तो उनका रुख मोड़ दिया वो जंगलों में गए तो जंगलों ने बढ़कर उनका इस्तकबाल किया उन्होंने खाक पर हाथ डाला उसे सोना बना दिया चरिंद परिंद और दरिंदे सब उनके ताब फरमान हो गए समुंदरों के कतरे बयाबानों की दर्रे पहाड़ों की घाटियों आसमानों के तारे सब ने खुश आमदीद कहा उन्हें एजाज बख्शा इकबाल मरहूम ने दुरुस्त फरमाया वो मज्जत थे ज़माने में मुसलमान होकर वो मुआजत थे जमाने में मुसलमान होकर।, होकर और तुम खार हुए तारकें कुरान होकर हजरात आज भी अगर वो ईमान पैदा हो जाए यकीन की वो कैफियत हमारे अंदर आ जाए जाहिर के मुसलमान नहीं बल्कि बातिन और अंदरूनी क्लब को मुसलमान बना ले तो कोई वजह नहीं है कि हमें इज्जत हासिल न हो दोनों जहां में हमें कोई ठिकाना ना मिले इतमान सुकून हमें मैसर ना हो बातिल और ताकती ताकत हमसे ना डरने लगे कुरान मजीद का ऐलान हमारे जिंदगी के आन मुताबिक हो सिर्फ यह शर्त अपने अंदर पैदा करें वाहन आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलस्ता पैदा دعا ہے الله رب العزة ہم سب کو ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب مومن کامل بن جائے امین رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سیدے آدم